Hello children, today in this video you will learn chapter 3 about plant life. Let us learn about it in detail. Learning objectives are: student will understand importance of plants in our life and parts of a plant and their functions. Everyone, look around you. You will see all kinds of plants. Plants are very important to us. They provide food and oxygen to us and all living beings. अपने चारों तरफ देखो, तुम क्या देखोगे? अनेक प्रकार के प्लांट्स, पेड़ पौधे. प्लांट जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वह हमें फूड देता है, ऑक्सीजन भी सांस लेने के लिए देता है और सभी लिविंग बींग्स के लिए. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. दो दीज प्लांट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड शेप, इट ऑल ऑफ देम have the same body parts. Plants have two systems, root system and shoot system. हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं और ये सभी प्लांट जो हैं पेड़ पौधे अलग अलग भिन्न भिन्न दिखते हैं शेप और साइज में. उनके बॉडी पार्ट्स लेकिन सेम होते हैं. अब प्लांट में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. Here is an activity, children. Soak some seeds in wet cotton. Keep it in a warm place. See that the cotton remains wet. After a few days, you will see some small plants, means seedling, growing from the seeds. कुछ बीज को गीले कपड़े में भिगोना है और इसे गर्म स्थान पर रखना है और कॉटन को गीला ही रखना है. कुछ दिन के बाद तुम देखोगे कि उसमें से नन्हे पौधे, छोटे से पौधे बाहर, उस सीड से बाहर निकल आया है. नाउ रूट सिस्टम. द रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड एंड एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर नीडेड फॉर द प्लांट टू ग्रो. प्लांट का पहला पार्ट रूट होता है जो कि सीड से ग्रो होता है, निकलता है. यहाँ जड़ जो है प्लांट को सॉइल से मजबूती से पकड़ता है और पानी और मिनरल्स जो होता है एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिट्टी से, जो प्लांट के ग्रो के लिए बहुत आवश्यक है. नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. द टैप रूट इज़ द मेन रूट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज डीप इन टू द सॉइल. इट इज थिक एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स. इट्स मेन रूट हैज मैनी ब्रांचेज दैट स्प्रेड आउट. नीम एंड पीपल ट्रीज हैव टैप रूट्स. कैन यू थिंक ऑफ टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट? रूट दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट प्लांट का मेन रूट होता है जो कि जमीन के अंदर या नीचे गहरे तक जाता है और यह मोटा होता है और नीचे यह ग्रो करता है. इसके मेन रूट से बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं जो बाहर की तरफ फैले हुए दिखते हैं. नीम और पीपल जो है टैप रूट का एग्जाम्पल है. तो उसी तरीके से मैंगो, जामुन ट्री, टैमरिन ट्री, ये सारे जो है भी टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ फाइब्रस roots. The fibrous roots do not have branches but have a group of nearly equal sized roots that spread out from the base of the stem in all directions. Fibrous roots do not go very deep. Example of fibrous roots are wheat and rice. Fibrous roots में branches नहीं निकलते हैं लेकिन बहुत सारे गुच्छे में बराबर साइज में roots जो है मेन स्टेम के बेस से, मेन बेस से ही सभी डायरेक्शंस में बिखरे हुए दिखते हैं. फाइब्रस रूट्स जो है ज़मीन के नीचे बहुत डीप नहीं जाता है. इसका एग्जांपल गेहूं और चावल है. नाउ स्पेशल रूट्स. सम प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स. सर्टेन प्लांट्स लाइक टर्निप, कैरेट, रेडिश हैव इनलार्ज्ड रूट्स to store large quantities of food. These type of roots are tuberous roots. कुछ plants में खास जड़ें होती हैं. कुछ plant जैसे कि turnip, carrot, radish,
इनमें रूट्स जो है काफ़ी बड़ा दिखता है क्योंकि वह लार्ज क्वांटिटी में खाना जो है स्टोर करते हैं, और इसी तरह के रूट को ट्यूबरस रूट कहते हैं। ट्रीज सच आर बनियान हैव रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस टूवर्ड्स द ग्राउंड। दीज आर कॉल्ड एरियल रूट्स। दीज रूट्स हैंग इन द एयर एंड आर नॉट कवर्ड बाय सॉइल। कुछ पेड़ जैसे बनियान, बरगद का पेड़ जो होता है उसकी जड़ें जो होते हैं नीचे की तरफ ब्रांच से निकल कर के जाती हैं, और उस जड़ को जो होते हैं एरियल रूट्स कहलाते हैं, और ये रूट्स जो होते हैं सॉइल के द्वारा जो होते हैं कवर नहीं होते हैं, ये एयर में हैंग करते हैं, झूलते रहते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड। दे स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द ग्राउंड। जमीन के अंदर रूट प्लांट को फिक्स करता है और सॉइल के अंदर ये चारों तरफ जड़ जो है फैला हुआ होता है और प्लांट को मजबूती से ग्राउंड से पकड़े रहता है। सेकेंड इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। रूट जो है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और उसे पास करता है स्टेम में, और स्टेम से फिर यह लीव के जाता है प्लांट्स के। नेक्स्ट फंक्शन इज रूट्स बाइंड द सॉइल। रूट जो है बांधता है मिट्टी को। जहाँ प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है वहाँ की मिट्टी देखेंगे कि पानी से ईजली भी डालने पर निकल जाता है और हवा के द्वारा भी वह ईजली उड़ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रूट्स स्टोर फूड। सम रूट्स लाइक कैरेट, रेडिस एट्सेट्रा हैव थिक एंड सॉलन रूट्स दैट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। वी ईट सच रूट्स। कुछ जड़ें मोटा और फूल जाने से एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है मूली और गाजर, और इस तरह की जड़ें हम खाते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रेन वी विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।